नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिजल्ट। देश की एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एमफिल एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए। तो आइए चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों, एमफिल एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भारत सरकार की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ये भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमफिल करने का इरादा रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले हम एमफिल की सीटों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ एलिजिबिलिटी, सीट्स और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो एमफिल इंग्लिश की 4 सीटें, फिलॉसफी की 7 सीटें, हिंदी की 21 सीटें, तेलुगू की 15, उर्दू की भी 15 और अप्लाइड लिंग्विस्टिक की 4 सीटें उपलब्ध हैं। इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एमफिल ट्रांसलेशन स्टडीज़ की 3 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास ट्रांसलेशन स्टडीज़, लिंग्विस्टिक, अप्लाइड लिंग्विस्टिक या लिटरेचर में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट से 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री इंग्लिश मीडियम से पास नहीं की है तो भी आपकी मास्टर डिग्री में कम से कम 60% अंक होने ज़रूरी हैं। इसके बाद कॉम्परेटिव लिटरेचर सब्जेक्ट है, इसकी 8 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास कॉम्परेटिव लिटरेचर या लैंग्वेज में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। एमफिल हिस्ट्री की 8 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए या किसी अलाइड सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इंडोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, लिटरेचर, रिलीजियस स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस और साइंस पॉलिसी आदि में 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। एमफिल हिस्ट्री केवल इंग्लिश मीडियम में ही उपलब्ध है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसकी 12 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, इसकी भी 12 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास सोशियोलॉजी या कल्चर स्टडीज़ के साथ सोशल साइंस सब्जेक्ट में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एमफिल एंथ्रोपोलॉजी की 3 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए या किसी अलाइड सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंड प्रिंट मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, एनवायरमेंटल साइंस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़। 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। एमफिल एंथ्रोपोलॉजी की 3 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए या किसी अलाइड सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंड प्रिंट मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, एनवायरमेंटल साइंस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़ में 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। इसके साथ ही आपकी मास्टर डिग्री केवल इंग्लिश मीडियम में भी होनी चाहिए। रीजनल स्टडीज सब्जेक्ट है, इसकी 4 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास सोशल साइंस, जियोग्राफी या डिज़ास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। सोशल इंक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी सब्जेक्ट है, इसकी 4 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, सोशल इंक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल जियोग्राफी, वुमेन या जेंडर स्टडीज़,
या रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसकी 13 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स या किसी अलाइड सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ जनरल कैंडिडेट्स को 600 रुपये, EWS कैटेगरी को 550 रुपये, OBC कैंडिडेट्स को 400 रुपये, SC, ST और स्पेशल कैंडिडेट्स को 275 रुपये की फ़ीस चुकानी होगी। याद रहे, ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी। अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 3 मई 2020 है, यानी 3 मई 2020 तक आप अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद द्वारा जारी MPhil एडमिशन नोटिफिकेशन 2020 की पूरी जानकारी। जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, आदाब।